हैं कि मणिशंकर अय्यर के नीच वाले बयान पर बड़ी सियासत के बीच पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर का बयान सामने आया है। जनरल दीपक कपूर ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी मणिशंकर अय्यर और पाकिस्तान के उच्चायुक्त के साथ मीटिंग हुई थी। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जनरल दीपक कपूर ने कहा है कि वो इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन इसमें पाकिस्तान के साथ रिश्तों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख की तरफ से, और महत्वपूर्ण ये बयान जनरल दीपक कपूर का इसलिए हो जाता है क्योंकि अपनी सभाओं में, रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर से मुलाकात हुई थी पाकिस्तानी उच्चायुक्त की, और उसके बाद अगले दिन उन्होंने नीच वाला बयान दिया था। तो अपने साथ प्रधानमंत्री जब इस बयान को जोड़ रहे हैं और साथ ही साजिश के तौर पर इसे देख रहे हैं, रखने की कोशिश की जा रही है गुजरात की जनता के सामने, तो ऐसे में सेना प्रमुख का ये इंटरव्यू, ये बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उनका कहना ये है मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से रिश्तों पर बात हुई थी, इसके अलावा कोई और बातचीत नहीं हुई थी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर का बयान हम आपको बता रहे हैं, मणिशंकर अय्यर से जो मुलाकात हुई थी उस बाबत पूर्व सेना प्रमुख ने यह बयान दिया है कि मुलाकात हुई थी लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्तों के अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं हुई थी। हाँ, मैं उस बैठक में मौजूद था, उस मीटिंग में हमने भारत पाकिस्तान के रिश्तों के अलावा किसी मुद्दे पर बात नहीं की। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर ने ये बातें कही हैं।